बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शेख चौधरी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेवन्थ क्लास इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 8.3 TMS ऑनलाइन JPJ 13 अगस्त 2020। एक्सरसाइज 8.3 उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 7 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपलीफाई करना है, यानी सेवन्थ पार्ट जो भी है सिंपलीफाई करना है हमने। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इससे पहले जो कुछ पार्ट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट में मैं क्या लिखूंगा, सेम एज इट, ये एक दफ़ा लिख के मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई कर, यानी ये जो बाहर ए है इसको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है इनके ऊपर अलग अलग जो मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी ए को पहले ए के साथ किया तो एस के प्लस, ए को बी के साथ किया तो ए बी माइनस सेम एज इट, ए को सी के साथ किया तो ए सी। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह पार्ट ए यहाँ पर मैंने लिया है, ये मेरे पास पार्ट ए है, इसका सोल्यूशन मैंने जो होकर लिखा है इन सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद जब इसका सोल्यूशन लिखना है तो सेम एज इट जिस तरह मैंने इसको सॉल्व आउट किया है। तो 3x को x के साथ करूंगा तो 3x के माइनस 3x को जब 2y के साथ करूंगा तो कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी जो नंबर होते हैं हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। 3 को 2 से करेंगे तो 6, वेरिएबल x को y के साथ करेंगे तो एक्स वाई सेम एज, ये भी माइनस। इसी तरह अब 3 को 2 से करूंगा तो 6, x को z के साथ तो 6xz, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह नाइन्थ पार्ट जो मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये मेरे पास नाइन्थ पार्ट है, इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन एक दफ़ा लिखा उसको सॉल्व आउट किया। 3p² क्यूब, यानी 3 को 3p² क्यूब को जब इस टर्म सब के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अलग अलग, तो क्या होना है, यानी 3 को जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे कॉन्स्टेंट वन है तो 3 सेम एज इट, पी स्केयर को जब पी की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी पी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है तो पी की पावर 5, यानी यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी तो आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भी ये मैंने साथ में दे दिया आप लोगों को, यानी जब भी दो इस तरह की टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो, यानी उनकी पावर यहाँ तो स्केयर हो या क्यूब की फॉर्म में हो, तो चूंकि बेस अगर सेम हो, बेस कर दिए नीचे वाले टर्म, यानी पी है ये भी पी है, बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, ठीक है, तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, स्केयर एंड क्यूब ऐड 2+3 क्या आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी, ये इस तरह सॉल्व करते हैं। बाकी क्यूब सेम है जी, प्लस 3p² को क्यूब स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेम, पी स्केयर भी सेम, लेकिन क्यू है इधर, क्यू की पावर 2 है तो दोनों की बेस सेम, पावर ऐड करेंगे 1+2 तो मेरे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह जो है हम इसको लास्ट रूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है जी, यानी -3p² q r के पास 4, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने इसको ट्राई करनी है। एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया 5th पार्ट, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे मेरे नंबर पर इनबॉक्स करें ताकि हम उसको कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। असाइनमेंट आप लोगों ने करके मुझे ये भी सेंड करनी है। थैंक यू सो मच।